नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी। आइए जानते हैं रीवा में आना हुआ उनका, किस तरह से यहाँ पर आए हैं और क्या उन्होंने देखा गंगा मैया में जो कुछ। कुंभ के मेले में जी दर्शन करने आए थे। हमारे साथ और भी हमारे साथी लोग भी आए थे, तो हम 5 तारीख को वहाँ पहुँचे। तो आश्रम में स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, जी उनके अठेर उनके दर्शन हुए। फिर गंगा स्नान किया। अक्षय में पहली बार करीब से देखने का मौका मिला। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और संत स्वरूपानंद जी महाराज, जगद गुरु शंकराचार्य भी हमारे गुफा मंदिर के बांध उनके गुरुदेव, और अनेकों संतों के दर्शन किए। इस बार कुछ खास वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं और बड़ा ही आकर्षक मनोहारी दृश्य है। बहुत ही आकर्षक, एक तो साफ सफाई बहुत अच्छी है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, और सरलता से लाखों लोग अनेकों पुल बना दिए हैं। और संतों के आश्रम जो है वह हजारों की संख्या में, कोई बाधा नहीं है। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। मतलब योगी जी ने वहां पर जो कुछ काम किया है वो असर दिख रहा है और खास तौर से साधु संत भी साधुवाद दे रहे हैं कि योगी जी ने बेहतर काम सत्य किया है। वहाँ पर जितने वृक्ष हैं और पुल के खम्भे हैं, उनको भी रंग रोगन से इतना सजाया है कि उसके कारण वातावरण और सुखद हो गया है। चारों तरफ धर्म का प्रचार हो रहा है, आनंद का प्रचार हो रहा है, और लोग बहुत आनंद से गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान धर्म दे। और हजारों लाखों की संख्या में एक साइबेरियन का पक्षी जो दाना डालो, बहुत अच्छी ढंग से चुगता है, उड़ता है, देख के आनंद होता है। ऐसा आनंद देखने में बहुत कम मिलता है। अगर अपने मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य बन कर आया है सामने, वो किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? कैसा यहाँ पर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, कमलनाथ की सरकार और ये तो राजनीति का कैरेक्टर ही ऐसा है। राजनीति में अगर उठापटक नहीं होगी, साधु संतों के अखाड़े में भी होती है उठापटक, क्यों नई बात कौन आपको कांग्रेस पार्टी ऑफर कर रही है लोकसभा के लिए? है। देवेंद्र सिंह जी आए थे घर पर, तो उन्होंने कहा था हमारे भोपाल से आप चुनाव लड़ी लोकसभा। एक तरफ शिवराज कह रहे हैं कि ये 3 महीने से ऊपर चलने वाली सरकार नहीं है, आप क्या मानते हैं इसे? ये तो जनता ही सरकार है, जब तक उनके पास बहुमत होगा तब तक चलेगी। क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन होगा और आगामी जो चुनाव होने हैं यहाँ पर उसमें कितना असर डालेगी भाजपा? देखिए, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का या नगरी निकाय अलग अलग होता है, वो एक पैमाने पे नहीं तोला जा सकता है। जैसे रीवा नगर निगम का चुनाव है तो उसमें वार्ड के चुनाव होते हैं एक शहर का, और विधानसभा का स्टेट का होता है, तो उसमें अलग प्रकार का विचार होता है, कैसा विधायक होना चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जो राष्ट्र का, भारत का चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए, तो ये राष्ट्रीय चुनाव है जो पूरे देश का। इसके अंदर बहुत ही इस बार कड़ा मुकाबला रहेगा, क्योंकि जनता बहुत जागृत हो चुकी है। हर वोटर अपनी कीमत समझता है, उसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कैंडिडेट का नाम घोषित होता है किसी भी पार्टी का, तो तय कर लेता है उसी दिन कि ये अच्छा कैंडिडेट, इसको हम वोट देंगे। जो सक्रिय हो, लोगों में मिलता जुलता हो, सरल हो, व्यवहारिक हो और ईमानदार।
ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी। इन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी और ये स्पष्ट तौर पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होगा, इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा कठिनाइयों भरा होगा। युवा दर्शन के लिए विजय विश्वकर्मा।